और मैंने सुना है वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की बड़ी अच्छी बनती है। मैं आपके लिए पानी बिजली का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन अगर गंदगी चाहिए, नौटंकी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, राजनीति चाहिए, पॉलिटिक्स, उनके पास चले जाना, वो मेरे को नहीं आती, हमको नहीं आती। दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत आजमाना चाहती है राजस्थान में। गुजरात में भी उन्होंने कोशिश की और उस जो सीटें उनको वहां मिली उसके बाद पार्टी के नेशनल पार्टी बनने के मिशंस में राजस्थान का चैप्टर भी जुड़ गया है। 200 सीटें राजस्थान असेंबली में आम आदमी पार्टी लड़ना चाहती है और जो अरविंद केजरीवाल मैसेज लेकर गए हैं राजस्थान में, साथ में पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे, जो मैसेज लेकर गए हैं कि यहाँ पे जो दो बड़े नेता हैं कांग्रेस और बीजेपी, उनके जो नेता हैं अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया, उनमें आपस में साठगांठ है, दोस्ती है और उस दोस्ती की वजह से करप्शन का जो मुद्दा है वो हमेशा छुपा लिया जाता है। एक पार्टी आती है वो अपने पुराने मित्रों की करप्शन को छुपा देती है, उसमें कोई इंक्वायरी नहीं होती और ये सिलसिला चलता रहता है, चाहे सत्ता में महारानी हो या गहलोत हो। इन दोनों पार्टियों का तो देख रहे हो लड़ाई मची पड़ी है, बीजेपी में अलग लड़ाई मची पड़ी है, कांग्रेस में अलग लड़ाई मची पड़ी है। किस चीज की लड़ाई है? सत्ता की लड़ाई है, आपके लिए थोड़ी लड़ रहे हैं ये। सीएम की कुर्सी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस में भी सीएम की कुर्सी की लड़ाई हो रही है, बीजेपी में भी सीएम की कुर्सी, आपके लिए नहीं लड़ रहे ये लोग। और मैंने सुना है वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की बड़ी अच्छी बनती है, बड़ी दोस्ती है कि नहीं है? अशोक गहलोत पे थोड़ी सी आंच आ जाए, वसुंधरा राजे पूरी बीजेपी खड़ी कर देती है उसके लिए। वसुंधरा राजे बीच में बात चली थी, वसुंधरा राजे को हटा रहे हैं बीजेपी वाले, अशोक गहलोत ने पूरी कांग्रेस लगा दी उसके समर्थन में। तो ये अलग अलग पार्टियां थोड़ी हैं, एक ही पार्टी है, वसुंधरा राजे अशोक गहलोत पार्टी, एक ही पार्टी है। तो जिसकी मर्जी सरकार बना लो, सरकार तो इन्हीं की चलेगी, चाहे वसुंधरा राजे की बना लो चाहे अशोक गहलोत की बना लो, सरकार तो इन्हीं की चलेगी। इस बार एक ईमानदार पार्टी ले आओ, आम आदमी पार्टी ले आओ, ईमानदार सरकार ले आओ, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, भगवंत मान को भी राजनीति करनी नहीं आती, हमको पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, स्कूल बनवाने आते हैं। अगर आपने राजनीति करनी है उनको वोट दे देना, भ्रष्टाचार करना है उनको वोट दे देना, स्कूल बनवाने हैं मेरे पास आ जाना, मैं आपके बच्चों के स्कूल बनवा दूंगा, अस्पताल बनवाने हैं, सड़कें बनवानी है, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, मेरे पास आ जाना, मैं आपके लिए पानी बिजली का इंतजाम कर दूंगा। लेकिन अगर गंदगी चाहिए, नौटंकी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, राजनीति चाहिए, पॉलिटिक्स, उनके पास चले जाना, वो मेरे को नहीं आती, हमको नहीं आती। ये भी कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उनको लगता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की वजह से कांग्रेस के अंदर जो फूट है उसका फायदा आम आदमी पार्टी को हो सकता है। मैंने संजय सिंह से बात की और ये पूछा कि क्या कांग्रेस के वोट काटने के लिए आम आदमी पार्टी वहां जा रही है, तो उनका ये कहना था कि राजस्थान से पहले गुजरात में उन्होंने चुनाव लड़े और उसके आंकड़े बहुत क्लियरली दिखाते हैं 14% वोट शेयर लेना किसी एक पार्टी के वोट काट के पॉसिबल नहीं है। आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के समर्थक करप्शन के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी से जुड़ने को तैयार है। यार राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, बार बार ये आरोप लगता है कि वहाँ वसुंधरा राजे की सरकार और अशोक गहलोत की सरकार का साठगांठ है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है, आम आदमी पार्टी वहाँ अपना डेब्यू करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है भाई, हमको जहाँ जहाँ हमारा संगठन होगा, चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई किसकी किससे साठगांठ है, क्या है, ये जनता देख रही है, वो जवाब देगी। कांग्रेस का वोट आप काटेंगे शायद, इसीलिए कांग्रेस आपसे कंफर्टेबल नहीं। ये आज तक वो थर्मोमीटर में मुझे मिला नहीं, गुजरात में भी मैं खोज रहा था और उसके बाद दूसरी जगह जहाँ जहाँ हम लोग चुनाव लड़ते हैं यही सवाल पूछा जाता है, मुझे वो थर्मोमीटर दिखाइए जो ये बताता हो कि आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो सिर्फ कांग्रेस का है, भाजपा के समर्थक हमें वोट नहीं दे रहे हैं या दूसरी पार्टियों के समर्थक हमें वोट नहीं दे रहे हैं, वो थर्मोमीटर में खोजना चाहता हूँ। 14% वोट मिल गए गुजरात में हमें, 5 सीटें मिल गई पहले ही चुनाव में, आप इसको छोटी उपलब्धि समझती हैं? तो
इसलिए ये कहना कि हम किसी पार्टी का वोट काटते हैं गलत होगा। जो भी लोग समझते हैं आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही, वोट दें। उस रैली में भगवंत मान ने ये भी कहा कि अब राजस्थान के लोगों को झाड़ू उठा लेना चाहिए और झाड़ू उठा के करप्शन को स्वीप अवे करना चाहिए। तो एक ऑल्टरनेट मॉडल लेकर पहुंचना चाह रही है आम आदमी पार्टी राजस्थान में। अब देखना ये होगा कि क्या इससे बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा होता है। जैसे हमने गुजरात में देखा, बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप रहा, कांग्रेस के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी गुजरात में, और इसमें एक फैक्टर आम आदमी पार्टी भी था। मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नेता हमारे साथ हैं। मनोज जी, कल अरविंद केजरीवाल पहुंचे राजस्थान और उन्होंने कहा कि यहां तो गहलोत सरकार और पहले की वसुंधरा राजे सरकार के बीच में साठगांठ है, तो आप हमें मौका दीजिए। दिल्ली का मॉडल जो हमने दिल्ली में पेश किया, पंजाब में पेश किया, वो हम राजस्थान में भी लाना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, वो गए राजस्थान और उस समय मैं भी राजस्थान में था, एक दिन पहले जोधपुर में था हम लोग। हर आदमी जो राजस्थान का हमें मिला वो एक ही लाइन कहता हुआ मिला कि ये जल्दी से ये दिल्ली वाले झूठे को हटाओ। लिटरली ये लाइन मुझे कम से कम 20-25 लोगों ने बोला, और जब वो गए हैं तो न तो वहाँ उनका कोई स्वागत है, न तो अब कोई चार्म बचा है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन, आप उसके बाद मनीष सिसोदिया, अब लोग यही बोल रहे थे मुझे, मास्टर माइंड आ रहा है। तो केजरीवाल जी का नाम राजस्थान में अगर दिल्ली के भ्रष्टाचार का मास्टर माइंड पड़ गया है तो मैं समझता हूँ वो जाएं, तो लोकतंत्र है, जाना ही चाहिए। बट राजस्थान इनके साथ वही सलूक करेगा जो पीछे उत्तराखंड ने किया है, जो पीछे और स्टेट्स में हुआ है, हिमाचल प्रदेश ने किया है। तो अब जो अरविंद केजरीवाल जी के प्रति जो लोगों का एक भाव बना हुआ था, जो अब एक भ्रम का भाव कहा जा रहा है, वो पूरी तरह मिट चुका है। और अरविंद केजरीवाल का कहीं तिरस्कार न हो जाए, मुझे ये डर लगता है, क्योंकि मैं लोकतंत्र में ऐसा नहीं चाहता। जो भी है, ही इज विदाउट पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, फिर भी जब वो पद पे हैं तो उनके साथ कोई तिरस्कार न हो, बट वो लोगों के मन से उनका आदर चला गया। बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं का ऐसा मानना है कि जो वोट बैंक आम आदमी पार्टी टारगेट कर रही है वो दरअसल कांग्रेस का वोट बैंक है, बीजेपी का वोट इंटैक्ट है, उससे बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी की तरफ मूवमेंट नहीं हो रहा है। अभी बस डेब्यू ही कर रही है आम आदमी पार्टी राजस्थान में, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग डेब्यू है। और सारे जो अल्टरनेट पॉलिटिक्स का सिस्टम था राजस्थान में, क्या उसको ये त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट में बदल सकती है, ये हमें देखना पड़ेगा।